विस्तार से समाचार। उत्तर प्रदेश के मथुरा के जवाहर बाग में हुई घटना में अभी तक 22 उपद्रवियों की जानें चली गई हैं, जबकि इस हादसे में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जावेद अहमद ने बताया कि जवाहर बाग को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें 23 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। कुल मिलाकर 22 उपद्रवी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 11 आग में झुलसकर मरे हैं। वो आग जो उन्होंने खुद लगाई थी उसमें झुलसकर मरे हैं, और बाकी जो हैं लाठी डंडे की या अन्य प्रकार की चोट से मरे हैं। उनमें से एक महिला है, बाकी पुरुष है। पुलिस की ओर से बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे 2 जवान अधिकारी श्री मुकुल द्विवेदी SP CT और श्री संतोष यादव वैसो फरे ये शहीद हुए हैं। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि अभी तक काफी संख्या में हथियार और गोलियां बरामद की गई हैं। हमने 47 कट्टे और 6 राइफलें और 178 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं जवाहर बाग से। जो वहाँ के जो लोग थे वो छोड़ के गए हैं या उनसे बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त 15 गाड़ियाँ और 6 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। इन सब की छानबीन की जाएगी कि ये राइफलें और ये गाड़ियाँ किसकी थी, और उनके जो मालिकान हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि इस मामले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। रामरीश यादव, चंदन बोस, विदेश यादव और राकेश गुप्ता ये मुख्य रूप से इस संगठन जो था अनधिकृत और इलीगल संगठन, इसके मुखिया थे। इनमें से अगर कोई अभी भी जिंदा है तो उसको हम गिरफ्तार करेंगे। 124 लोगों की गिरफ्तारी बलवा करने और आने को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और मर्डर के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अतिरिक्त 196 अतिरिक्त लोग, जिसमें के 80 पुरुष और 116 महिलाएं हैं। वहीं इससे पहले मथुरा पहुंचे DGP जावेद अहमद और प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा ने संघर्ष में शहीद हुए पुलिस प्रभारी संतोष यादव को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि मथुरा के जवाहर बाग की बागवानी विभाग के करीब 100 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने पहुंची पुलिस और कब्जेधारियों के बीच हुए भीषण संघर्ष में SPCT मुकुल द्विवेदी और थाना प्रभारी संतोष कुमार की मौत हो गई, जबकि अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध कर रहे 22 अतिक्रमणकारियों की मौत हुई और 40 से अधिक लोग घायल हो गए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाल ही में प्रशासन को वो जमीन खाली कराने का आदेश दिया था। मथुरा मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से फोन पर बात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। मथुरा हिंसा पर भाजपा नेता संबित पात्रा ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मथुरा में हिंसा को लेकर राज्य सरकार पर तीखे सवाल दागे और कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। कि इस भूमाफिया को किसकी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त थी? पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में, एक महत्वपूर्ण शहर में, शहर के बीचों बीच इतना बम बारूद इकट्ठा हो जाता है और पुलिस जान नहीं पाती। जिस राज में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है उस राज में जनता का क्या होगा, जरा आप सोच के देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मथुरा में हुई हिंसा पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अवैध कब्जाधारियों को काफी समझाने की कोशिश की गई लेकिन वे हिंसा पर उतारू हो गए। उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ये गंभीर घटना थी और जो लोग कब्जा किए हुए थे उनको हटाने के लिए हाईकोर्ट ने कहा, और हाईकोर्ट के निर्देश पर और प्रशासन ने कई बार बातचीत की, कई बार वार्निंग दी, कई बार उसके बावजूद भी उन्होंने हिंसा कर करके हिंसा बढ़ाने का काम किया है। वहाँ जिम्मेदार अधिकारी
मिनिस्टर, केंद्रीय होम मिनिस्टर जी से भी बात हुई है, मैंने उनको भी जानकारी दी है। जो घटना हुई उसकी जांच भी हालांकि कमिश्नर स्तर पे जांच की जाएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कानून के अंदर कार्रवाई होगी।